होली से पहले शराब का अवैध व्यापार खेल शुरू हो चुका है। हटिया रेलवे स्टेशन से 73 बोतलों के साथ दो लोगों को पकड़ा गया। बता दें कि हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ हटिया तथा रांची मंडल के मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के निर्देश पर बनाई गई फ्लाइंग टीम रांची द्वारा चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर दो व्यक्तियों को संदेहास्पद अवस्था में भारी बैग के साथ बैठा देखा गया। संदेह होने पर उनसे पूछताछ में उन्होंने अपना अपना नाम आशुतोष कुमार उम्र 34 वर्ष पता झिटकही मुजफ्फरपुर बिहार तथा दूसरे ने जयप्रकाश कुमार उम्र 24 वर्ष पता डोली सकारा मुजफ्फरपुर बिहार का बताया। उन दोनों के पास के बैग की तलाशी लेने पर दोनों बैग से 73 शराब की बोतलें बाजार अनुमानित मूल्य करीब ₹14,700 पाई गई, जिसके बारे में उन दोनों ने कोई संतोषप्रद उत्तर न देकर उसे बिहार ले जाकर ऊंचे कीमतों पर उसे बेचना बताया। बाद में उन शराब की बोतलों को मौके पर सहायक उप निरीक्षक रवि शेखर द्वारा जब्त की गई तथा दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसे अगले दिन को आबकारी विभाग रांची को सुपुर्द किया जाएगा।